दौसा के सदर थाना क्षेत्र के गांगलियावास गांव में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष में दो पक्षों में जमकर संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में दोनों पक्षों के करीब 11 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल दौसा में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि एक ही परिवार के दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर कहासुनी हो गई, जो बड़े रूप में तब्दील हो गई, जिसको लेकर दोनों पक्षों में जमकर संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में दोनों पक्षों के 11 लोग घायल हो गए, जिन्हें राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां पर इनका इलाज जारी है। पुलिस पूरे मामले की जांच पर जुटी है। दौसा से विष्णु आशीर्वाद की रिपोर्ट। तुम सभी बुजुर्गों के लगे क्या बात है, क्या दिक्कत है? कोई बैठे बैठे वो कबीर ये एकदम से बड़ा गया लड़ा। कौन था वो? ये जगदीशा बंशिया सावड़िया। अरे एमपी का नाम तो थोड़ा खरवाड़ी से बुड्ढा के खरवाड़ी थी मेरे साथ बड़ी लंबी दोया की जगदीशा। वो झगड़ा था पहले का? यहीं मैटर था दिया था। क्या मैटर था? जमीन का मैटर है। मतलब आपकी जमीन थी, किसकी थी जमीन? मेरी जमीन है साहब, 50 वर्ष से खा रहा है। हमने छोड़ दिया, अगला को मंजूरी कर लेंगे, कोई मर जाएगा, पर वो नहीं समझते। अभी औलाद ही औलाद आपसे बड़े बड़ी। अच्छा, नाम बताओ आपका। राम जिला। अभी 108 एम्बुलेंस से गांगलियावास गाँव से ये 11 जन आए, कोई जमीनी विवाद चल रहा था, तो सारे लोगों को यहाँ पे अभी एडमिट कर लिया है। फर्स्ट एड उनका दे दिया गया है, जिनके दिमाग में जो चोटें आई हैं उनका सीटी स्कैन करवा दिया, सबका फर्स्ट एड चल रहा है। ठीक है, गंभीर है? गंभीर कोई नहीं है, गंभीर कोई नहीं है, छोटी मोटी चोटें हैं तो सब एक्सरे सीटी स्कैन में आ जाएगा, गंभीर कोई नहीं है, सब होश में।